आगे बढ़ते हैं। खबर नालागढ़ से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने नालागढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की ओर से एसडीएम नालागढ़ के जरिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। जो ये धरना प्रदर्शन है, ये केंद्र सरकार की जो बेरोजगारी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने जो मनरेगा का बजट है इस वर्ष काफी कम कर दिया है, तो हमारी मांग है कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, 600 रुपया जो है मजदूरी वहां दी जाए और कृषि क्षेत्र में भी मनरेगा को शुरू किया जाए। इसी तरह से अग्निवीर योजना जो चलाई है उसके साथ जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, तो हमारी मांग है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की द्वारा से जो भर्ती है सैनिक भर्ती वो पुरानी पद्धति से हो जाए, अग्निवीर को बंद किया जाए, जो चार स्क्रैप किए जाए, चार जो श्रम कानून बनाए जा रहे हैं ये मजदूर विरोधी कानून है, जो 44 कानून तोड़कर चार मजदूर विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें वापिस लिया जाए और मजदूरों के लिए जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर और कई क्षेत्रों में जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में हमारा कहना ये है कि सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उन्होंने चुनाव में जो वायदे किए उन्हें वो पूरे करने चाहिए। हमने उनको उनका समर्थन किया था इस बात को लेकर कि सरकार जो है वो बेरोजगारी दूर करने का प्रयत्न करेगी। हमने इसलिए समर्थन किया था कि सरकार जो है सबको न्याय देगी और विशेषकर हमारा कहना ये है जो हमारे उद्योगों में वर्करों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उसको दूर करेंगे, लेकिन वो दूर नहीं हो रहा है और कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि मजदूरों को अपनी